हेलो फ्रेंड्स, सलाम नमस्ते, सत श्री अकाल, की हाल चाल। होप करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, एक काफ़ी लंबे ब्रेक के बाद हाजिर हूँ फिर से एक बार लेके एक बिल्कुल ही नए अपडेट ब्लॉग के साथ, जो कि है मेरठ टू गढ़ नेशनल हाईवे 709A पर, दिल्ली NCR का एक महत्वपूर्ण शहर मेरठ। महानगर होने के बाद भी आज़ादी के 70 सालों तक ये शहर विकास की राह देखता रहा, बट 2014 के बाद मेरठ की भी किस्मत पलटी, जिससे दिल्ली समेत अन्य महानगरों से मेरठ की सीधी कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए मेरठ के चारों ओर नेशनल हाईवे का जाल बिछना शुरू हुआ। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और मेरठ बुलंदशहर नेशनल हाईवे 235 जहां बनकर तैयार हुए, दिल्ली मेरठ रैपिड रेल, मेरठ बागपत नेशनल हाईवे 334B, मेरठ करनाल नेशनल हाईवे 709A और मेरठ पौड़ी नेशनल हाईवे 119 जहां अपने कंस्ट्रक्शन के अंतिम दौर में हैं और बहुत जल्द आम पब्लिक के लिए ऑपरेशन भी कर दिए जाएंगे। वहीं मेरठ को मिला है एक और नेशनल हाईवे की सौगात, जो कि है मेरठ को उत्तर प्रदेश के गढ़ मुक्तेश्वर से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 709A। गंगा नदी के किनारे बसा हुआ गढ़, जिसको आने वाले दिनों में हरिद्वार की तर्ज पर विकसित करने की योजना है, और इस हाईवे के तैयार होने से गढ़ की कनेक्टिविटी ना केवल वेस्ट यूपी के बल्कि हरियाणा के भी मुख्य शहरों से काफ़ी आसान हो जाएगी, और गंगा स्नान के लिए आने वाले लाखों लोगों को इसका फ़ायदा होगा और उनका सफ़र कम समय में और सुगम तरीके से पूरा हो पाएगा। तो दोस्तों, बात करते हैं मेरठ गढ़ नेशनल हाईवे 709A प्रोजेक्ट की। दोस्तों, यहाँ पर एक बात और बता दूँ कि मेरठ से गढ़ की जो कुल दूरी है वो 45 किलोमीटर है, बट इस प्रोजेक्ट के अंडर में जो रोड बनाई जाएगी उसकी कुल लंबाई होगी 50.25 किलोमीटर। कंस्ट्रक्शन कंपनी है टाटा प्रोजेक्ट्स, जिसको 1022 करोड़ में 2 साल की डेडलाइन के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, और इस प्रोजेक्ट में मेरठ के 28 और हापुड़ के 8 गांवों के 1237 किसानों की लगभग 650 करोड़ में 40.37 हेक्टेयर ज़मीन एक्वायर की गई है। और अभी की बात करूं तो मेरठ से गढ़ 45 किलोमीटर जो रोड है वो 2 लेन है, और इस सफ़र को तय करने में 1.5 से 2 घंटे का समय लग जाता है, बट इस प्रोजेक्ट में 45 मीटर चौड़ा 4 लेन हाईवे बनने के बाद ये सफ़र मात्र 40 से 45 मिनट में ही पूरा किया जा सकेगा, और जाम भीड़भाड़ वाले रास्ते में बचने के लिए इस हाईवे पर कुल 4 बाईपास का निर्माण भी किया जाना है। दोस्तों, ये लोकेशन है मेरठ से गढ़ जाते हुए सिसोली गांव से जस्ट पहले, और ठीक इसी जगह से इस हाईवे पर बनने वाले 4 बाईपास में से 2 बाईपास का निर्माण शुरू होगा। जी हाँ, ठीक इसी जगह से 2 बाईपास का निर्माण भी होगा इस हाईवे पर, जो कि मेरठ बाईपास के रूप में जाने जाएंगे, या जिसको हम मेरठ रिंग रोड का नाम भी दे सकते हैं। लेफ्ट साइड जाता हुआ बाईपास मेरठ मवाना नेशनल हाईवे 119 पर सलारपुर जलालपुर गांव के पास जाकर मिलेगा, और राइट साइड जाता हुआ बाईपास मेरठ हापुड़ नेशनल हाईवे 235 पर गांव हाजीपुर के पास जाकर मिल जाएगा, जिससे ये हाईवे मेरठ के ट्रैफिक को और मेरठ के कंजेस्टेड एरिया को बाईपास करता हुआ 2 अलग अलग नेशनल हाईवे के साथ मर्ज हो जाएगा, उनको कनेक्ट करेगा। हालांकि ये जो बाईपास बनने हैं, जिसको रिंग रोड का नाम भी दिया जाना है, वो उनको आगे और एक्सटेंड करके दूसरे हाईवे से, यानी नेशनल हाईवे 58 और मेरठ जो बाईपास है पुराने वाला, उससे भी कनेक्ट किया जाना है, बट वो अलग प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में ये मेरठ हापुड़ नेशनल हाईवे 235 और मेरठ मवाना नेशनल हाईवे 119 तक ही बनाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त मेरठ से गढ़ जाते हुए 2 बाईपास का निर्माण कार्य और भी किया जाना है। अब लेफ्ट साइड में देख सकते हैं थोड़ी सी बैरिकेडिंग बांस की बल्ली लगा के की गई है, क्योंकि काम अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर है। अभी सिर्फ ज़मीन एक्वायर करके उसका समतलीकरण किया जा रहा है, और जहाँ थोड़ा बहुत मिट्टी का भराव है उसको किया जाने का जो वर्क है वो अभी स्टार्ट ही हुआ है। बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस इस हाईवे पर अभी नहीं हुई है, सिर्फ
हाईवे जो पुरानी रोड है उसके दोनों ओर मिट्टी की सफाई करके या जो ज़मीन एक्वायर करी है, क्योंकि शहरों के बीच में से कस्बों के बीच में से निकलता हुआ ये हाईवे है, तो ब्राउन फील्ड हाईवे भी इसको कह सकते हैं। जो कंस्ट्रक्शंस हैं उनको तोड़ा जा रहा है और उस ज़मीन को एक्वायर करके वहाँ पर रोड चौड़ीकरण के लिए समतलीकरण किया जा रहा है ज़मीन का। बहुत ज़्यादा ऊंचा ये हाईवे नहीं बनाया जाएगा। वर्तमान में जो रोड है इससे लगभग 2 या 3 फुट ऊंचा ही ये हाईवे बनाया जाएगा। और अगर कंस्ट्रक्शन वर्क की बात की जाए तो काम आपके सामने है। अभी सिर्फ रोड के दोनों साइड में मिट्टी, जो पुरानी मिट्टी होती है उसको हटा के रोड का समतलीकरण का कार्य ही किया जा रहा है, यानी अर्थ वर्क इसको हम कह सकते हैं, वो कार्य ही चल रहा है। तो बात कर रहा था मैं बाईपास की, तो मेरठ बाईपास के अतिरिक्त मेरठ से गढ़ के बीच में 2 बाईपास का निर्माण कार्य और किया जाना है, जिसमें से एक बाईपास बनेगा जो कि किठोर और शाहजहांपुर कस्बे को बाईपास करेगा और दूसरा बाईपास बनेगा जो कि हसनपुर गांव को बाईपास करेगा, जिससे इस रोड पर जो कंजेस्टेड एरिया हैं किठोर, जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस रोड पर पड़ने वाला सबसे ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया है, और आम के सीज़न में तो इस रोड पर किठोर कस्बे में ही 2-2 घंटे का जाम हमने खुद झेला हुआ है। यहाँ पर बाईपास बनने के बाद इस किठोर के जाम से भी मुक्ति मिलेगी, और जो किठोर के अंदर तोड़फोड़ होती अगर ये किठोर के अंदर से हाईवे निकाला जाता वो भी बच जाएगा। काफ़ी लंबा बाईपास होगा क्योंकि किठोर और शाहजहांपुर का बाईपास एक ही बनाया जा रहा है, और अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं रोड समतलीकरण का ही कार्य यहाँ पर होता हुआ, अभी जो रोड के दोनों सफाई होनी है उसमें अभी लेफ्ट साइड में ही रोड की सफाई का कार्य किया जा रहा है। राइट साइड में अभी कोई कंस्ट्रक्शन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, पेड़ वैसे के वैसे ही खड़े हैं। अभी इन पेड़ों की भी कटिंग होगी, और लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं मकान टूटते हुए जो एक्वायर किए गए हैं, ज़बरदस्ती कोई तोड़फोड़ नहीं हो रही है, एक्वायर किए जा चुके हैं, मुआवजा दिया जा चुका है। अब सिर्फ जगह साफ करके यहाँ पर मिट्टी की जो अर्थवर्क का काम होना है वो होगा, और उसके बाद ब्लास्ट डालकर इस पर रोड बनाई जाएगी। दोस्तों मैं मऊ खास के पास हूँ, गांव के पास, और यहाँ देख सकते हैं लेफ्ट साइड में कितना वाइड यहाँ पर रोड कर दिया गया है। जो ज़मीन एक्वायर की गई है वो कितनी वाइड, कितनी दूर से रोड निकाली जा रही है, और इसका भी एक रीज़न है। जब आप इतनी वाइड रोड देखें तो आप समझ भी जाइए, क्योंकि ये जगह इस हाईवे पर एक टोल टैक्स भी प्रस्तावित है, जिसकी लोकेशन, संभावित लोकेशन यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि दोनों साइड काफ़ी वाइड यहाँ पर रोड जो लैंड है वो एक्वायर की गई है। वेल, थोड़ा आगे चलते हैं और आगे देखते हैं आगे कितना काम हुआ। लेफ्ट साइड में एक पुलिया का निर्माण कार्य होता हुआ, लेफ्ट साइड में पुलिया बनाई जाएगी, उसके बाद जब ट्रैफिक लेफ्ट साइड में डाइवर्ट किया जाएगा तब राइट साइड में पुलिया निर्माण होगा। राधा स्वामी सत्संग भवन, जिसमें दिखा देते हैं पीछे की साइड दीवार बनाई जा रही है, यह भी जमीन एक्वायर की गई है। बट उससे आगे अभी कोई ऐसा काम नहीं जिसको दिखाया जाए, सिर्फ रोड वाइडनिंग के लिए जो लैंड साफ़ की गई है या मिट्टी की फिलिंग की गई है, अर्थवर्क किया गया है, वही काम यहाँ पे हो रहा है। इसके अतिरिक्त अभी कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत इनिशियल स्टेज पर ये वर्क है। अभी लगभग 1-1.5 महीने पहले ही इस प्रोजेक्ट पर काम होना शुरू हुआ है, तो अभी समय लगेगा, क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट का जो अहम हिस्सा होता है वो लैंड एक्वायर करना होता है। बट लैंड यहाँ पर पूरी एक्वायर हो चुकी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी टाटा प्रोजेक्ट है, उसका अपना एक नाम है, अपनी एक गुडविल है। तो आने वाले कुछ महीनों में जब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हो जाएगा, अपनी फुल स्पीड पे आ जाएगा, तब इसकी अपडेट लेने में और भी मज़ा आएगा। अभी तो यहाँ पर सिर्फ सड़क के दोनों ओर रोड की सफाई हो रही है, जो पेड़ों की कटिंग वगैरह होनी है, जो लैंड वर्क का काम है, बस वही होता हुआ दिखाई दे रहा है।
इसके अतिरिक्त कोई भी काम होता हुआ फिलहाल नहीं, क्योंकि जब तक रोड की सफाई नहीं होगी, जो अर्थवर्क का काम है वही नहीं होगा, समतलीकरण नहीं होगा, तब तक तो कोई कंस्ट्रक्शन वर्क होना बनता भी नहीं है। पेड़ों की कटिंग काफ़ी हद तक यहाँ पर की जा चुकी है, बट ये काम अभी तक सिर्फ यहीं तक ही हुआ है। इसके आगे की साइड, अभी गढ़ की साइड में कंस्ट्रक्शन वर्क होना अभी बाकी है, रोड की सफाई होना भी अभी। दोस्तों, जब इसके आगे अभी कोई वर्क हुआ ही नहीं तो दिखाने का क्या फ़ायदा। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। आपके सुझावों का मेरे कमेंट बॉक्स में हमेशा स्वागत है। मिलते हैं बहुत जल्द अगले व्लॉग में। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।